मतलब नहीं है, इस सबका तो क्या चीज है, आ किसनगढ़ तो कौन चीज है, तीन लोगों का क्या मतलब है, ये तो कोशिश में लगे ही ना रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए, नाबा भी पड़ रहा है पीएफआई का। सब सब बिना मतलब का चीज करने के लिए तो एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको आपस में कभी भी हिंदू हो मुस्लिम हो कोई समुदाय के लोग हो कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, का क्या मतलब झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी जात के हो सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई काम हुआ है हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं बेचारे क्या करेंगे, लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए, अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है ये लोग, सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं, अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ, अब बिहार में कितना हम लोग काम किए, जब भी हो हम लोग रहे कोई रहे तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ जहाँ कर देना चाह रहे हैं पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं उसी चीज को हम लोग याद रखें, अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ में और आपके मन में विकास